एक दंपति महज 20 मिनट के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में गया था। इतनी ही देर में चोर घर में घुसे और 15 लाख रुपए से अधिक का सोना चोरी करके ले गए। घटना कैथल के सेक्टर 19 की है, जहां दिन दिहाड़े चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चोरी करके ले गए। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए क्या बताया मकान मालिक ने, चोरों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। आज मैं 12:15 के बाद 15 मिनट के लिए मंदिर गए जी, मैं और मिसेज दोनों बच्चे यहाँ बाजार तक गए हुए थे, पीछे थे। जब हम वापस आए हैं घर में, सारे दरवाजे खुले हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था, और जो चोर है हमारी दो लॉकर उठा के ले गए हैं, मैडम का पर्स ले गए, कैश ले गए उठा के, सोना गहना सब कुछ ले गए उठा के। कैश कितना था? जो 2.5 लाख के करीब था। जेवरात 10 से 12 तोले थे। कितनी देर बाद गए थे? 15 मिनट जी, 15 मिनट से ज्यादा लगे नहीं हमें। ये मंदिर है हमारे पड़ोस में, मंदिर है ये शिव मंदिर है हुड्डा में, हमारी गली में ये मंदिर। तो मंदिर तक गए, गन्ने वाले ने थोड़ी देर लगा दी गन्ने का रस निकालने में, हम वही खड़े हो गए, चल गन्ने का रस निकालेंगे, उसके बाद हम आगे घर पर। जब दरवाजा खुला देखा, हमने कहा बच्चे आ गए होंगे शायद, फिर मैंने देखा एक स्कूटी नहीं है, बच्चों की स्कूटी नहीं खड़ी, तो मैं कहा अभी आ जाते होंगे शायद, मत कही। तो सीसीटीवी की डीवीआर भी उठा के ले गए, हार्ड डिस्क भी ले गए, सब कुछ तोड़ गए। हमने जिस सेक्टर 21 में दी थी 112 पे कॉल की थी, वो आ गए सारे, और जो SHO मैडम वो भी आ गई है, CIA स्टाफ दोनों आए, फॉरेंसिक वाले आए हुए हैं सारे, देखने लग रहे हैं। क्या लगता है किसी में कोई शक हो रहा है? किसी शक तो किसी में क्या कह सकते हैं, किसी का ऐसे नहीं पता लगता। कोई मतलब आसपास पड़ोस में जो कैमरे लग रहे हैं उसमें कोई दिखा हो? एक गाड़ी दिखी है, उसमें डिजायर गाड़ी दिखी है, जिसने कि बाहर का ताला देख के, बाहर ताला लगा हुआ था कैंची गेट पे भी, तो वो ताला देख के वो गाड़ी मोड़ी उसने वहां से, और यहाँ हमारे घर के आगे खड़ी हुई है। बाहर से लोग थे, अंदर के लोग नहीं, बाहर के लोग था, अंदर कोई लोग नहीं, क्यों यहाँ तक तो जाना था हमने मंदिर तक। तो हमें डायरेक्ट शुभारा से प्राप्त हुआ है कि एक हाउस नंबर 42 है सेक्टर 19 में, उसमें चोरी की वारदात को कोई अंजाम दे के गया है। तो अभी आए हैं मौके पे, जैसे ही देखते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह उतरवाए हैं, और जैसे भी आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। मतलब चोरी का क्या कुछ बताया, कितना सामान चोरी होगा? अभी फिलहाल ये देख रहे हैं, इनका तो अभी मानना ये है कि जैसे एक बैग था उसमें 2.5 लाख रुपए कैश थे, और शायद 10-12 तोले सोना बता रहे हैं। आज मैं 12:15 के बाद 15 मिनट के लिए मंदिर गए जी, मैं और मिसेज दोनों बच्चे यहाँ बाजार तक गए हुए थे, पीछे थे। जब हम वापस आए हैं घर में, सारे दरवाजे खुले हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था, और जो चोर है हमारी दो लॉकर उठा के ले गए, मैडम का पर्स ले गए, कैश ले गए उठा के, सोना गहना सब कुछ ले गए उठा के। कितना कैश 2.5 लाख के करीब था। जेवरात 10 से 12 तोले थे। कितनी देर बाद गए थे? 15 मिनट जी, 15 मिनट से ज्यादा लगे नहीं हमें। ये मंदिर है हमारे पड़ोस में, मंदिर है ये शिव मंदिर है हुड्डा में, हमारी गली में ये मंदिर। तो मंदिर तक गए, गन्ने वाले ने थोड़ी देर लगा दी गन्ने का रस निकालने में, हम वही खड़े हो गए, चल गन्ने का रस निकालेंगे, उसके बाद हम आगे घर पर। जब दरवाजा खुला देखा, हमने कहा बच्चे आ गए होंगे शायद, फिर मैंने देखा एक स्कूटी नहीं है, बच्चों की स्कूटी नहीं खड़ी, तो मैं कहा अभी आ जाते होंगे शायद, मत कही। सीसीटीवी की डीवीआर भी उठा के ले गए, हार्ड डिस्क भी ले गए, सब कुछ तोड़ गए। हमने जिस सेक्टर 21 में दी थी 112 पे कॉल की थी, वो आ गए सारे, और जो SHO मैडम वो भी आ गई है, CIA स्टाफ दोनों आए, फॉरेंसिक वाले आए हुए हैं सारे, देखने लग रहे हैं। क्या लगता है किसी में कोई शक हो रहा है? शक तो किसी में क्या कह सकते हैं, किसी का ऐसे नहीं पता लगता। कोई मतलब आसपास पड़ोस में जो कैमरे लग रहे हैं उसमें कोई दिखा हो? एक गाड़ी दिखी है, उसमें डिजायर गाड़ी दिखी है, जिसने कि बाहर का ताला देख के, बाहर ताला लगा हुआ था कैंची गेट पे भी, तो वो ताला देख के वो गाड़ी मोड़ी उसने वहां से, और यहाँ हमारे घर के आगे खड़ी हुई है। हमें डायरेक्ट शुभारा से प्राप्त हुआ है कि एक हाउस नंबर 42 है सेक्टर 19 में, उसमें चोरी की वारदात को कोई अंजाम दे के गया है। तो अभी आए हैं मौके पे, जैसे ही देखते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह उतरवाए हैं, और जैसे भी आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। मतलब चोरी का क्या कुछ बताया, कितना सामान चोरी होगा? अभी फिलहाल ये देख रहे हैं, इनका तो अभी मानना ये है कि जैसे एक बैग था उसमें 2.5 लाख रुपए कैश थे, और शायद 10-12 तोले सोना बता रहे हैं।